हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो मास वेट डेंसिटी चल रहा है, ठीक है ना, इसका मैं फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आज करा दूंगा। उसके बाद जो है अगली वाली वीडियो में मैं आपको इसके सारे MCQ सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को देखने से पहले मैं जो कुछ बातें वहाँ पर छूट गई थी, जैसे मैंने प्लवन का सिद्धांत बताया था, ठीक है ना, प्लवन के सिद्धांत में मैंने बर्फ़ की बात करी थी। तो बर्फ़ को आप याद करिएगा, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये पानी भरा होता है। प्लवन के सिद्धांत में किसी वस्तु को क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आप नोट्स में इस चीज़ को बढ़ा लीजिएगा कि जैसे ये क्या है हमारा, ये बर्फ़ है ना। तो बर्फ़ के टुकड़े का 1/12 हिस्सा, ठीक है, मतलब 12 में से एक हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और 11/12 हिस्सा पानी के अंदर रहता है। इसको आप नोट करिएगा क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है। तो ऐसे फिगर बना के नोट करिए कि प्लवन का जो सिद्धांत था, है ना, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा जब डूबोते हैं तो 1/12 हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है और 11/12 हिस्सा पानी के अंदर दिखाई देता है। और एक चीज़ मैंने और मिस्टेक कर दी थी शायद वीडियो में, मैं 100 बोल गया था और 100 लिख भी दिया था, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वाटर की, है ना, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी को आप अगर नोट किए होंगे तो मैंने शायद ये लिख दिया था 100 kg/m³ और 1 g/cm³। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, इस वाली बात में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पता है ना, प्रूफ कर लेते हैं, 1 g/cm³, इसको किलोग्राम में बनाना है। तो ग्राम किलोग्राम में कब बनता है, जब 1000 से भाग करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा किलोग्राम। इसको सही कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार है, इसको 3 बार जो है मीटर बनाइए। ये हो जाएगा 1/100 m, क्योंकि 1 m को बनाएंगे तो 1/100 × 1/100, 1/100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब नीचे कितने बचे, 4 0, 1 2 3 0, तो 3 0 ऊपर चले जाएंगे, तो आ जाएगा 1000 kg/m³। तो यहाँ पे मैंने गलती से बाई मिस्टेक कर दिया था 100 kg/m³, तो ये गलत है, आपका सही आंसर है 1000 kg/m³। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना था, 4 °C पर पानी का, है ना, पानी का अपेक्षित घनत्व, पानी का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है, 100 kg/m³ या 1 g/cm³, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और आपको सॉल्व कराते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। ये दो बातें बतानी थी जो मैं भूल गया था, तो आप उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। तो अब बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन मतलब द्रव्यमान ऊपर रहेगा और आयतन नीचे रहेगा, और द्रव्यमान बटे आयतन को क्या बोलते हैं, घनत्व तो बोलते हैं, तो आपका आंसर घनत्व तो हो जाएगा। कह रहा है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो मैंने पढ़ाया था कि रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, है ना, और कैसे पदार्थों को, ठोस पदार्थों की अपेक्षिक घनत्व को मेजर करने के लिए, नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। सघनता, सघनता का मतलब मैंने बताया था कि घनत्व होता है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को क्या बोलते हैं, घनत्व को सघनता भी बोलते हैं, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, नोट कर लीजिएगा। जो घनत्व की हेडिंग आपने डाल रखा है उसके बगल में लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं सघनता, ठीक है ना। सघनता किसको बोलते हैं, घनत्व को बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा सघनता किसका अनुपात है, तो आप बताएंगे सघनता द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात है। अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, मैंने लिखवाया था नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। विशिष्ट गुरुत्व, मैंने बोला था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही क्या बोलते हैं, अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक घनत्व, और अपेक्षिक घनत्व किसका अनुपात होता है, पदार्थ का घनत्व, है ना, पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 °C वाले वाटर का घनत्व, 4 °C वाले वाटर का घनत्व, है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये सब मैंने बताया हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है, इसके 2 पार्ट और बाकी अदर चैप्टर के पार्ट, तो वो जाके देख लेगा। यहाँ बोल रहा है कि आयतन क्या होता है, तो आपको पता है ना
आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन इधर चला गया तो इधर आ जाएगा द्रव्यमान, और नीचे क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा घनत्व। सॉरी आपसे आयतन पूछा हुआ है ना, तो आयतन यहाँ चला गया, घनत्व यहाँ आ जाएगा। मिस्टेक मैंने लिख दिया, फिर से इसको देखें कि आपको आपसे पूछा आयतन, तो आयतन चला गया यहाँ पे, ठीक है, और घनत्व आ गया यहाँ पे, m अपनी जगह पे है, तो m को बोलते हैं द्रव्यमान, है ना, और रो को बोलते हैं घनत्व। और घनत्व बोलें या सघनता कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सीरियस प्रणाली में घनत्व की इकाई मैंने बताया था, सीरियस प्रणाली में क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मैंने बताया हुआ है। द्रव्यमान का सीरियस मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का सीरियस मात्रक ग्राम होता है, और एम के एस मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है एम के एस में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सीडीएस में, और एमकेएस में अभी मैंने बताया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर लेट करेंगे तो। इसमें लिखा है कि पानी का एमकेएस मात्रक क्या होता है, पानी का जो एमकेएस मात्रक होता है ना, भार का एम के एस मात्रक, तो भार का मतलब डब्लू, और डब्लू को मैंने बताया था एम जी, और एम जी मतलब बल, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो भार का सीरियस मात्रक क्या है, भार का सीरियस मात्रक क्या होता है, भार का ए एम के एस हो गया, सीरियस क्या होगा, सीरियस न्यूटन का सीरियस क्या होता है डाइन, यानी भार का सीरियस मात्रक क्या हो जाएगा डाइन। पहले वीडियो में बताया हुआ सब कुछ। द्रव में डुबाने पर वस्तु के भार में कमी आ जाती है, पहले पार्ट में मैंने बताया हुआ पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है भार और द्रव्यमान में क्या आयतन होता है, क्या डिफरेंस होता है, अब इसको देख लीजिएगा। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किसी चीज़ का अगर हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम लोग सिंपल वाले तुले का इस्तेमाल करते हैं, आप घर पर देखे होंगे इस तरह का तुला होता है, ठीक है ना। तो भौतिक तुला का इस्तेमाल करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक, भौतिक तुला का यूज करते हैं, ठीक है। और भार को नापने के लिए जिसमें ग्रेविटी होता है, कमानीदार तुला, मैंने पहले वीडियो में ऐसे कुछ बना के आपको दिखाया था कि कमानीदार तुले का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बताया हुआ है, तो आप आराम से फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि वस्तु की मात्रा, जो वस्तु की मात्रा होती है ना, मतलब द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। क्यों ऐसा होता है, आयतन को कैपिटल वी से लिखते हैं, क्योंकि होता है भाई घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर इधर जो है आयतन है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m बराबर रो इंटू वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है p का मान दिया हुआ है और v का मान दिया हुआ है, आपसे m पूछा हुआ है, तो m बराबर अभी ऊपर मैंने फार्मूला बताया रो इंटू क्या होता है v होता है, और रो का मान यहाँ पे दिया है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और v का मान दिया हुआ है 12.25। जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30.625, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, यदि वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तैरेगी कि डूब जाएगी। तो आपको मैंने प्लवन के सिद्धांत में मैंने बताया था कि ये डब्बा है, इसमें अगर कोई वस्तु अगर डुबाते हैं तो ये जो वस्तु का भार है ना, अगर वस्तु का भार अगर ज़्यादा होगा हटाए गए भार से तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी भाई। अगर भार अगर ज़्यादा है तो, और द्रव का भार जो हटाया गया भार है अगर वो कम है तो क्या करेगा, वो डूब जाएगी। तो यहाँ बोला यदि वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार है ना, वस्तु के भार से ज़्यादा है, यानी इस कंडीशन में बोला गया है कि जो द्रव का भार है जो पानी हटाते हैं अगर वो ज़्यादा है और वस्तु का भार कम है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि वस्तु क्या करेगी, तैरेगी, ठीक है। तो एक कंडीशन नंबर 2 पूछा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा तैरेगी न कि डूब जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे लिक्विड का भार है जो वस्तु हटा रहा है वो उससे ज़्यादा है, तो जो पानी हटता जाएगा तो क्या करेगा, वो तैरेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्फ़ को पानी में डालने पर उसका भाग पानी के सतह से, तो मैंने अभी बताया था कि पानी के सतह से 1/12 भाग ऊपर होता है और 11/12 भाग पानी के सतह के नीचे रहता है, ये मैंने बताया था। तो फिलिंग दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारी चीज़ें हो गई है ना। अब जो है जो पार्ट नंबर 4 होगा उसमें मैं सारे MCQs क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप जो है एक थैंक्स का मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए,
और अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो आप उसको बताइए कमेंट बॉक्स में जा करके, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले, क्योंकि जब दूसरों का फ़ायदा होगा तभी आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।